ह्यूमर की क्या सिग्निफिकेंस रहेगी? क्या हो सकती है गदर 2 के लिए परफेक्ट सपोर्टिंग कास्ट? एक परफेक्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म वही होती है जिसमें सभी एलिमेंट्स हो, यानी कि एक्शन, रोमांस, कॉमेडी एक्सेट्रा, जो कि 2001 की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म गदर एक प्रेम कथा ने साबित कर दिया था। फिल्म एक परफेक्टली इमोशन ब्लेंडेड फिल्म थी जिसमें एक्शन थ्रिल के साथ ही ह्यूमर का डोज काफी सही से एम्बेड किया गया था। मेजर ली विवेक शॉक एके दरमियान सिंह भी फिल्म के कॉमेडी फैक्टर का दरमोदार थे, जिन्होंने बड़े ही सटल तरीके से ऑल दो हाई ऑन इमोशन फिल्म में ऑडियंस को लाफिंग ट्रैक्स देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और अब जब इस ऑल टाइम ग्रेटेस्ट फिल्म के सीक्वल की बात आई है तो सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या गदर 2 फर्स्ट पार्ट के जैसे ही मैजिक क्रिएट कर पाएगी? मे बी और मे बी नॉट, पर ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे ध्यान देके डेफिनेटली गदर से अच्छी नहीं तो कम से कम इसकी लेगेसी बचाए रखने वाला सीक्वल तो बन ही सकता है, जिसमें से पहला ही फैक्टर है गुड ह्यूमर। और इसी एस्पेक्ट के तर्ज पे हाजिर हूँ मैं श्रुति बॉलीवुड स्टूडियोज की तरफ से विद प्रोबेबल सपोर्टिंग कास्ट ऑफ गदर 2 फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फिल्मी ह्यूमर। गदर 2 बीइंग अ पंजाबी बैकड्रॉप फिल्म, इसमें गुड ह्यूमर होना काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो पंजाबी ही क्या जो खुल के हंसी ठटोली ना लगाता हो। मोर ओवर ह्यूमर से ऑडियंस का इंटरेस्ट जगाने में काफी हेल्प मिलती है। एंड एज वी नो, फिल्म हिट या फ्लॉप शूट पे नहीं बल्कि कास्टिंग टेबल पे ही हो जाती है। तो आज हम सजेस्ट करेंगे गदर 2 के लिए एक परफेक्ट सपोर्टिंग कास्ट जो इस ह्यूमर फैक्टर को काफी निखारने में काफी जरूरी होगा। तो फर्स्टली साइड रोल दरमियान सिंह का, जो कि तारा सिंह का जिगरी है। वैसे तो अगर विवेक शौक ही इस रोल को रिप्राइज करते तो फिल्म के लिए बेस्ट केस सिनेरियो हो सकता था, लेकिन अफसोस की बात है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए तारा सिंह के साथ हंसी ठिठोलियों पाने का लिए मेकर्स स्टोरी के हिसाब से दो कास्टिंग ऑप्शंस रख सकते हैं। अगर तो फिल्म डोमिनेंटली पंजाबी बैकग्राउंड के साथ डील करे तो पंजाबी कमेडियन एक्टर्स को रोप इन करना सबसे बेस्ट रहेगा, और इसी लिस्ट में शामिल है गुरप्रीत घुग्गी, करमजीत अनमोल, बिन्नू ढिल्लों, जसविंदर भल्ला, बीएन शर्मा और राणा रणवीर। ये सभी टॉप पंजाबी कमेडियंस हैं जो कि पंजाबी फिल्म्स में तो समा बांध ही रखते हैं और निश्चित ही हिंदी ऑडियंस को भी लोटपोट करवा सकते हैं। लेकिन अगर फिल्म का बैकड्रॉप थोड़ा कम पंजाबी कल्चर का हुआ ड्यू टू स्टोरी चेंजेस, तो फिर मेकर्स बॉलीवुड के टॉप कॉमेडियन एक्टर्स के साथ भी जा सकते हैं, यानी कि राजपाल यादव, दीपक डोबरियाल, विजय राज एंड जॉनी लेवर, टू नेम अ फ्यू। तो ये तो रही तारा सिंह एके सनी देओल के साइड किक की बात, लेकिन फिल्म के नए स्टार और तारा सिंह के बेटे जीत का क्या, जिसे निभाने जा रहे हैं उत्कर्ष शर्मा। एज बॉलीवुड ट्रेंड, हीरो के लिए एक साइड किक तो जरूरी मांगता है, जिसकी हम कॉमनली हीरो का भाई भी कहते हैं। तो इस सिग्निफिकेंट रोल के लिए हमें अपने फेवरेट ट्रिपी एके मनजोत सिंह से बेहतर तो कोई लगता ही नहीं। फिल्म का बैकड्रॉप पंजाबी हो या नॉन पंजाबी, मनजोत किसी भी सिचुएशन में ह्यूमर क्रिएट एंड पोर्ट्रे कर सकते हैं। इनका ड्रीम गर्ल में साइड रोल आयुष्मान खुराना के साथ में काफी सराहा गया था, जिसे एक बात क्लियर हो जाती है कि कंडीशनल हो या अनकंडीशनल, ये आर्टिस्ट लाफिंग ट्रैक्स क्रिएट करने में उस्ताद है। और जहां तक है एक्शन की बात, तो उसके लिए तो सनी देओल का 2.5 किलो हाथ ही काफी है। तो वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम जब भी आपके पसंदीदा स्टार्स के फिल्मी दुनिया से जुड़े कोई भी अपडेट्स को लेकर आए तो वो आप सबसे पहले जान पाएं।